अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग रेट करेंगे पाकिस्तान में जो तेज़ाबी बैटरियां हैं जो यूपीएस के साथ आप लोग लगाते हैं घरों में या फिर अपने काम की जगहों पे, तो हम उनको रेट करेंगे कि कौन सी बैटरी किस नंबर पे है और वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। तो इस रेटिंग में जो सबसे पहले पाँचवें नंबर पर आती है वो है वोल्टा की बैटरी। वोल्टा की जो बैटरी है आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने यूपीएस के साथ, अपने घरों के लिए, अपने ऑफिसेज़ के लिए। लेकिन इसको नंबर पाँच पर रखने की वजह ये है कि इसकी जो लाइफ है बाकी बैटरियों से थोड़ी कम है और इसकी परफॉर्मेंस भी इसी हिसाब से बाकी बैटरियों से थोड़ी कम आती है। वजह है इसकी क्वालिटी, क्योंकि इसकी प्लेट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से आप लोग इसको जब भी ख़रीदेंगे तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र एक साल होगी, चाहे आप इसकी भरपूर मेंटेनेंस भी रखें और आप लोग जो है इसको टाइम पर इसका पानी वगैरह सब कुछ चेंज करते रहें, फिर भी वो एक साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर है उस बैटरी का नाम है मिल्लत बैटरी। दोस्तों, ये जो मिल्लत की बैटरी है ये लोकल मेड है, पाकिस्तानी मेड है, और ये मिल्लत ट्रैक्टर वालों का आपने नाम सुना होगा, ये उन लोगों की बनाई हुई बैटरी है। इसकी प्लेट्स भी उतनी अच्छी नहीं हैं क्वालिटी में। आप लोग इसको ख़रीद सकते हैं अपना वक्त पास करने के लिए, टाइम निकालने के लिए आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको अगर आप लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी एक परफेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, इसीलिए हमने इसको नंबर फोर पर रखा है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है लेकिन लाइफ टाइम उतना अच्छा नहीं है। लाइफ टाइम ये जल्दी डेड हो जाती है। बहरहाल, इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, बुरी नहीं है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो नंबर तीन पे है उस बैटरी का नाम है फीनिक्स बैटरी। आप लोगों ने शायद इसका नाम कम सुना हो लेकिन ये बहुत ही अच्छी बैटरी है और इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के सवालात मुझे आए कि आपने अपनी लिस्ट में जो है नंबर तीन पे ओसाका की बैटरी को क्यों नहीं रखा, तो मैं ये बताता चलूं कि ओसाका की बैटरी हमारे टेस्ट पे किसी तरह से भी पूरी नहीं उतर पाई, इस वजह से हमने उसको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया और ना उसको कोई नंबर दिया है। हमने उस पर लोड डाल के देखा, उसकी प्लेटों को चेक किया, तो हमें पता चला कि इसका सिर्फ पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट पे ही शायद खर्चा जा रहा है, जिसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल भी शायद पैसा नहीं लगाया गया और हमारे किसी भी टेस्ट पे किसी भी लोड पे वो पूरी नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से हमने उसको नंबर तीन नहीं दिया, बल्कि कोई भी नंबर उस बैटरी को हमने नहीं दिया अपनी लिस्ट में। तो फीनिक्स की बैटरी उसके मुकाबले में बहुत अच्छा परफॉर्म की, हालांकि इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट इतनी सुनने में नहीं आती लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इसका लाइफ टाइम भी हमने अच्छा देखा है। तो दोस्तों, आप इसको बेफिक्र होकर ख़रीद सकते हैं, ये आपको अच्छा बैकअप देगी, इसके सेल्स भी अच्छे हैं, बस टाइम पे इसका पानी चेंज करते रहें और इसका जो है आपको अच्छा लाइफ टाइम भी मिल जाएगा और आपको ये अच्छा बैकअप देती रहेगी और आपका यूपीएस बिल्कुल अच्छा चलता रहेगा। हाँ, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो है आपको इसको वोल्टेज पूरे देने पड़ेंगे। अगर आपके घरों में वोल्टेज का मसला है तो फिर ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। आपको जो है इसको स्टेबलाइज़र पर या फिर आपको अच्छे वोल्टेज से जहाँ पर आते हैं उन घरों में ही आप इसको इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। हमारी लिस्ट में जो नंबर टू पे है वो बहुत ही अच्छी बैटरी है और इसकी क्वालिटी और इस हमारे सारे टेस्टों को इसने अच्छे तरीके से पास किया है और इसकी प्लेट्स भी अच्छी हैं और लाइफ टाइम भी इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो दो साल से ऊपर का टाइम भी आपको ये आराम से दे देगी और इसका बैकअप टाइम भी बहुत अच्छा रहा। हमने बैकअप टाइम सारी बैटरीज के चेक किए हैं और सबसे जो अच्छा बैकअप टाइम देने वाली बैटरियां हैं जो पहली दो, उनमें से हमने एक एक साइड को पाया, तो ये वाकई में एक अच्छी बैटरी है। आप लोग इसको अपने घरों के लिए बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस पर लोड का ध्यान रखें कि जितनी बैटरी आप जिस हिसाब से ख़रीदें 180 की या 240 की, उस हिसाब से इस पर लोड डालें, लोड इस पर ज़्यादा ना हो और वोल्टेज आपके पूरे हों, तो ये आपको बहुत ही अच्छा बैकअप देगी और इसके पानी को आप वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहें और जो तेज़ाब है वो उसका बैलेंस में रखें और पूरा रखें, तो ये आपको बहुत ही अच्छा बैकअप देगी। एक साइड बैटरी पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है बहुत चल रही है, तो ये वाकई में एक अच्छी बैटरी है, हमारे टेस्टों पे पूरी तरह से अच्छी फिट उतरी है। तो इस लिस्ट में जो नंबर वन की बैटरी है उसका नाम है AGS बैटरी। जैसे कि इसके नाम के शुरू में ये ए आता है और ए से आपको पता है कि ये A1 बैटरी है। बिल्कुल, हमने इसको मुख्तलिफ टेस्टों से गुजारा, इस पर मुख्तलिफ तरह के लोड डाल के देखे गए और इसका तेज़ाब जो है वो पूरा रख के, कम रख के, ज़्यादा रख के, हर तरह से इसको टेस्ट किया गया, लेकिन वाकई में इसकी प्लेट्स बहुत अच्छी लगाई गई हैं और ये आपको ना सिर्फ अच्छा बैकअप देती हैं बल्कि इसका लाइफ टाइम अगर आप इसकी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से करते रहें तो ये आपको 3 साल तक का भी टाइम जो है वो आपका निकाल जाएगी और उसके बाद भी शायद आपका अगर वोल्टेज पूरे हैं और आपके वोल्टेज इसको अच्छे जा रहे हैं तो शायद ये आपको उससे भी ज़्यादा का टाइम दे दें। हमने इसको मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेस टेस्ट में से गुजारा, मुख्तलिफ तरह की जो है वो इस पर स्ट्रेस डाल के देखे गए, मुख्तलिफ तरह की मशीनरी इस पर चला के देखी गई और ये वाकई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर अपने घरों के लिए, ऑफिसेज के लिए ख़रीदें और ये आपको ना सिर्फ अच्छा बैकअप देगी बल्कि अच्छी लाइफ टाइम की वजह से आपके पैसा वसूल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इससे
और आपके पैसे वसूल हो जाएंगे आपको इसको ख़रीदने पे जो आप पैसा खर्च करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जाने से पहले एक टिप है कि अगर आप अपनी बैटरी का तेज़ाब चेक करते रहें वक्तन फ़ौक्तन तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और आप इसमें कंपनी का बनाया हुआ ही पानी या तेज़ाब जो भी आप उसको कहते हैं वो डालें। वैसे वो एक्चुअली में डिस्टिल्ड वाटर होता है, तेज़ाब बैटरी में पहले डाल दिया जाता है जब वो नई आपको दी जाती है, तो आप जो डिस्टिल्ड वाटर इसमें डालें वो कंपनी का बना हुआ होना चाहिए। और एक और सबसे मज़े की टिप और सबसे आपके काम की टिप जो आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी कि आप वोल्टेज ज़रूर चेक करें। आपके वोल्टेज अगर कम आते हैं, अगर आपके ऑफिस में या घर पे आपके वोल्टेज कम आते हैं तो ये बैटरी के लिए बहुत ही जानलेवा है। अपने वोल्टेज ज़रूर चेक कर लें, वोल्टेज पूरे होने चाहिए तो आपकी बैटरी भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करने के लिए एक जीमेल की आईडी होना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ के बारे में मालूमात आपको मिलती रहें और आप वक्त पर ही मेरी नई वीडियोज़ को देख पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।